तो हे गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बीजेपी वालों के कार्यकर्ता कितना अच्छा ये लोग ड्राइव करते हैं। आप इस गाड़ी को देख सकते हैं, ये गाड़ी है, आप देखिए यहाँ पर ये बीजेपी वालों का कमल खिल रहा है। और आप इस गाड़ी की कंडीशन देखिए, यहाँ पर आप, अच्छा यहाँ गाड़ी अंदर भी घुस गई थी क्या? नहीं नहीं, ये ऊपर टक्कर मार के तब बैक आई है ना ये। और क्या गाइस, देखिए ये बीजेपी वालों की गाड़ी है और आप नाम देख सकते हैं जनसेवक राजेश सिंह। और गाड़ी की आप हालत देखिए, इन्होंने किस तरह से ये गाड़ी भयानक तरीके से लड़ी हुई। हटो यार थोड़ा सा, और भैया थोड़ा सा साइड में, आप गाड़ी कंडीशन देखिए। और इन्होंने इस घर में पूरा ठोकर मारा। और आप इधर देखिए, ये पूरा शटर वगैरह भी तोड़ दिया। आप समझ सकते हैं कि इतना भयानक तरीके से गाड़ी लड़ी हुई है। आप देखिए अंदर, ये पूरा शीशा वगैरह भी इधर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, है ना। अब ये गाड़ी है, आप देखिए किसकी गाड़ी है, आप खुद समझ सकते हैं। अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए गाड़ी कैसे लड़ी होगी, या ड्राइवर नशे में था या फिर नींद में था। कितने समय घटना हुई? 3:30 बजे। 3:30 बजे रात की ना, 3:30 बजे गाड़ी लड़ी हुई है। और गाड़ी कंडीशन भी देखिए, हालांकि जो इसमें ड्राइवर था वो भी बहुत ज़्यादा चोटिल हो चुका है, सब अस्पताल जा चुके हैं। लेकिन गाड़ी देखिए, अभी नई गाड़ी है लेकिन आगे से एकदम ये पुरानी हो चुकी है। देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ, फ्रंट से दिखाता हूँ, देखिए पूरा, देखिए आप इस गाड़ी का कंडीशन पूरा देखिए। ये अंदर तक देखिए गाड़ी, इसने ठोकर मारा है अंदर को इसने ठोकर मारा है। तो अंदर तक की दीवारें जो है देखिए किस तरह से हो गई हैं। इधर पूरा कंडीशन देखिए, ये देखिए। वैसे ये यहाँ पे दुकान किसमें की है? कपड़े की दुकान थी, इसने ठोकर मारा है, स्पीड में रही होगी गाड़ी जिसकी वजह से ठोकर पड़ने की वजह से अंदर तक झटका लगा है। और ये पूरा अंदर का भी देखिए आप नज़ारा किस तरह से टूट गया। चार मार्केट का नुकसान हुआ है यहाँ पे, छिटक गई है। हाँ, जो ड्राइवर नशे में था या फिर कोई और कारण है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखिए शीशा वगैरह भी, गाड़ी से नुकसान भरवाइएगा तब जाने दीजिएगा। नहीं, गाड़ी बिना नुकसान भरे कैसे चले जाएंगे? और क्या, गरीब इंसान, छोटा बच्चा है, कहाँ से। बताता हूँ कि जो गाड़ी लड़ी थी वो यहाँ से, देखिए ये गाड़ी यहाँ से लड़ी है। और ये स्क्रैच करते हुए देखिए खंभे को ठोंकी है यहाँ पर। और खंभे को आप ऊपर से देखिए, ये भी ऊपर से सब कुछ इसमें टूट गया है, लाइट वगैरह टूट चुकी है। और आप देखिए, और यहाँ से ये लड़ने के बाद जो गाड़ी गई थी वो सामने वहाँ पर, जहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखा रहा था, जहाँ पे भीड़ लगी हुई है, वहाँ पे जाकर एक शटर को ठोंक दिया है। और वहाँ पर एक कपड़े दुकान थी, अंदर तक पूरा हिल गया है सब, अंदर तक का पूरा दीवारें दरक गई, इतना तेज भयानक एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि रात का टाइम है, कोई किसी कुछ हुआ नहीं है, बस ड्राइवर को लगा है जो चला रहा था गाड़ी। और आप देख सकते हैं ये इसमें कितना भयानक तरीके से इसने इसको हिट किया है। आप देख सकते हो, अगर कोई इंसान होता सामने तो वो मुझे लगता है मर जाता। तो आप देखिए, और आप लोग बताइए कि ये कैसे हुआ, क्या ड्राइवर नशे में था या फिर किसी और कारण बस ये चीज़ हुआ है, आप लोग बताइएगा। टच किया है पूरा, और ये खम्भा टूटा हुआ है, ये देखिए ये खम्भा, यहाँ पर उसने हिट किया है, ये खम्भा हिट किया है। और पूरा देखिए किस तरह से गाड़ी वहाँ पर, आप देख रहे हैं भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, ये साइड में आप देख रहे हैं ना भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर जो है ये गाड़ी हिट की हुई है, ठीक है ना। और खम्भा ऊपर से भी पूरा हिल चुका है, यहाँ पर आप देखिए इस कंडीशन को। तो आपको क्या लगता है, ये बीजेपी की गाड़ी थी, एक दुकानदार को, इसने दुकान को ठोक दिया है, दुकानदार को नहीं ठोका है, ठीक है ना। तो ये रात का माहौल है, करीब 3 बजे के बाद की बात है, और रात का टाइम था इसलिए किसी कुछ हुआ नहीं है, बस ड्राइवर ही घायल हुआ है, उसको अस्पताल पहुँचा दिया गया है। और गाड़ी अभी कब्जे में ले ली गई है, जिसने जिस दुकान को ठोका वो अभी दुकान में खड़ी हुई है, मुआवजा तो वो लेंगे भाई, उनका इतना नुकसान हुआ है। तो बस यही था इस वीडियो पर, आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।